हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र स्टेट से बहुत बड़ी एक मेजर अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है, जो बच्चे महाराष्ट्र के अंदर एमबीबीएस बीडीएस यानी कि आयुष कोर्सेज या फिर पैरा मेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। उनका ब्रॉशर जो ऑलरेडी आउट जो हो चुका है। कब से कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या फीस रहेगी, कब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपके अपलोड होंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट अभी मैं आपको जो अच्छे से समझाने वाला हूं। तो अगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके। तो चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे ये पीडीएफ आई है, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से सारा प्रोसेस जो वो समझा देता हूँ। बच्चों, ये वो नोटिस आया है महाराष्ट्र की तरफ से। जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीपीटीएच बीओटीएच बीएएसएलपी पीबी के अंदर जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो आ गया है। अब तैयार हो जाओ, आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है। अब कब से कब तक करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। किन बच्चों के लिए करनी है, किन कोर्सेज के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आपकी स्टार्ट होगी ऑनलाइन, वो आपकी 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगी सारे के सारे कोर्सेज के लिए, ये सारे के सारे कोर्सेज है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पेमेंट करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन फी करनी है इन सब कोर्सेज के लिए, वो आपको कब से कब तक करनी है, वो 17 से लेकर 23 तारीख तक जो आपको रजिस्ट्रेशन की फी जो वो पेमेंट करनी है, कब तक, रात 11:59 PM तक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको अपलोड करनी है कलर स्कैनिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। कब से कब तक, 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी जो है वो क्या करनी है, अपलोड करनी है। यहाँ पे इस चीज को देख सकते हो, ओरिजिनल की स्कैंड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या इन्होंने कंडीशंस रखी है वो भी मैं आपको फटाफट जो अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेस्ट ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट, कि आपको सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करके क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद इट विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो बोलता है ये जो जिम्मेदारी है कैंडिडेट की होगी कि वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से अपलोड करे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले गए वो सारे के सारे आपने अपलोड जो है वो सही से करने हैं प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम के द्वारा फॉर एडमिशन लेने के लिए हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए। उसके बाद आपको इन्होंने बोला कैंडिडेट शुड हिज हर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, अगर आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल हो तभी इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करें, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो पहले से आप देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो बिफोर रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सबमिट वगैरह कर दे उसको अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को, और किस वेबसाइट पे जाके करना, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपनी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक चीज और मेजर की गई है कि द शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट कैप, बाकी के जो आगे के फर्दर प्रोसीजर होने वाला है, इन्होंने बोला कि आयुष कोर्सेज के रिलेटेड या फिर बाकी सारे कोर्सेज के रिलेटेड विल बी डिक्लेयर इन ड्यू कोर्स, तो उसको इन क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे कोई मेजर अपडेट आती है डेफिनेटली आपका भाई जो वो आप तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पे इन्होंने ना प्रोसेस लिखा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फिर उसका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्या कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। फिलहाल के लिए आपको ये 4 स्टेप्स ही कंप्लीट करने, आगे के स्टेप्स अभी हमें क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी होने के बाद ही आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर पाओगे, अपलोड कर पाओगे, और सबमिट बटन को अच्छे से कर दे। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो कैंडिडेट हैज टू प्रेस सबमिट बटन, आपको सबमिट बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओनली सक्सेसफुल पेमेंट द फीस क्या कर देनी है, कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से मेजर स्टेप्स लिखे, ये आपकी लास्ट डेट लिखी गई है किसकी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी क्लोज, इस टाइम पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है मस्ट बी अपलोड पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, और डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए, वो लेस देन 300 KB, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन कॉपी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुली मेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी तभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपके लिए ओपन होगा, ठीक है। फोटोज कॉपी और डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी अपलोडेड, फोटोज कॉपीज को अपलोड मत करना, उसको पीडीएफ फॉर्म में करना है। पीडीएफ का साइज कितना होना चाहिए, 300 KB से कम, ठीक है। इसके अलावा आपकी फीस क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको अच्छे से सुझाव वो बता देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहने वाला है आपका फीस का प्रोसीजर। तो अगर आप एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस एंड बीयूएमएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, कैंडिडेट सीकिंग फॉर एडमिशन स्टेट कोटा सीट्स, अगर आपको स्टेट कोटा सीट्स के लिए जाना है तो आपको 1000 रुपया जो सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर इंस्टीट्यूट कोटा सीट्स के लिए आपको जाना है तो आपको 5000 रुपया सबमिट करना पड़ेगा, अगर ये आपका महाराष्ट्र का स्टेट कोटा होता है, आपको पता ही होगा कौन सा इंस्टीट्यूट कोटा होता है। उसके बाद स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूट कोटा दोनों में जाना चाहते हैं तो आपको 6000 रुपया जो वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप बीपीटी बीओटीएच बीएएसएलपी इन सब कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं तो पहली फीस तो आपकी स्टेट कोटा के लिए तो 1000 रुपये रहेगी, लेकिन दूसरे के लिए
आपकी अगर इंडियन कोटा सीट से जाना चाहते हो 1,000 रुपया, और अगर स्टेट कोटा और इंडियन इंस्टीट्यूट दोनों से जाना चाहते हो तब भी आपका क्या लगेगा, 1,000 रुपया ही लगेगा। तो ये थी आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट। इसके अलावा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बाकी इन सब चीजों की इन्होंने नेक्स्ट ईयर वगैरह दिए हुए हैं, वो आप सब कुछ खुद जो है वो रीड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट दिए हुए डॉक्यूमेंट्स की, ये सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब से कब तक लगेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके यहाँ पे डेट्स वगैरह दी हुई है, आप इन सब चीजों को जो है वो रीड कर सकते हो। इस पीडीएफ को मैं पूरी की पूरी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों इसके अंदर आपको कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी नीचे होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे हमारे पास कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है कि कौन कौन से कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट इसके अंदर करने वाले, गवर्नमेंट एडेड, यहाँ पे देख सकते हो आप गवर्नमेंट एडेड, इसमें आपको प्राइवेट भी मिल जाएंगे, इसमें सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे बीडीएस की गवर्नमेंट है, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली वो भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी है, मेंशन जो है वो कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपके, ये आपके एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस है, ये सारे के सारे आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले, और कितनी कितनी सीट्स रहने वाली यहाँ पे वो भी जो है वो मेंशन कर दिया गया है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर जो मिल जाएगी। इस ब्रोशर के अंदर जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी इसके अलावा जो मेजर चीजें वो आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल को जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैं इसको भेज दूंगा। बाकी आगे का फर्दर प्रोसेस जैसे इन्होंने बताया कि हम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट कर देंगे, तो आपका भाई भी आप डेफिनेटली आप तक पहुंचा देगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आने वाली जो फर्दर अपडेट्स है वो भाई आपका जो आप तक इजिली जो वो पहुंचा सके। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये दोनों के दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो वो मिल जाएंगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।